हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सेमोलिना केक। सेमोलिना केक यानी कि आज मैं सूजी का केक बनाने जा रही हूँ, जो कि हेल्दी भी है और इसे आप घर में आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड फ्लफ़ी बनता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको नई रेसिपीज़ की अपडेट चाहिए तो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, सेमोलिना केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप सूजी, और सूजी महीन रहे तो बहुत ही अच्छे से केक बनता है। 1.5 कप सूजी अप्रॉक्स मैंने 200 ग्राम सूजी लिया है, और मैंने लिया है 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 कप नॉर्मल तेल, जो रिफाइंड तेल, सनफ्लावर तेल हम खाने में यूज़ करते हैं वो, और इसमें हम डालते हैं 1/2 कप दही, और एक बार सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं 1/2 कप दूध। दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब इसे हम 15 मिनट्स तक के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि सूजी पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। 15 मिनट हो गया है और आप देख रहे हैं कि सूजी पूरी तरीके से फूल गई है, सारा पानी अब्सॉर्ब हो गया है। तो अब इसमें हमें बेकिंग पाउडर और सोडा डालना है, तो उससे पहले हम कुकर को भी हीट करने चढ़ा देते हैं। तो नमक को हीट करने के लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर, और इसमें हम डालते हैं 1 से 1.5 कप नमक। जो मैं नमक यूज़ कर रही हूँ, इस नमक को मैंने पहले भी बेकिंग में यूज़ किया है, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है, और आप चाहें तो बालू का भी यूज़ कर सकते हैं। नमक को अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे, और नमक के बीच में ऐसा हम एक स्टैंड रखेंगे। आप चाहें तो कोई भी कटोरी भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये स्टैंड रखना है, क्योंकि हम स्टैंड इसलिए रख रहे हैं कि हमें जो कंटेनर रखना है केक का, वो डायरेक्ट नमक के ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो नीचे से केक जल जाता है। इसलिए हम कोई भी कटोरी, पैन या स्टैंड रख सकते हैं। और अब हम कुकर के ढक्कन को ऐसे ही बंद कर देंगे, ध्यान रहे कि सीटी ना लगी हो, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर 8 से 10 मिनट तक हीट होने देते हैं। तो कुकर को मैंने हीट कर लिया है और सूजी जो है काफ़ी थिक हो गई है, तो इसमें हम ज़रूरत के अनुसार डालते हैं पानी। 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और 1.5 चम्मच इसमें हम बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, और सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम डालते हैं 1/2 कप टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी मैंने घर में भी बनाया है, तो इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसे हम कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा घोल बिल्कुल तैयार हो गया है, और चलिए अब इसे हम टिन में डालना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है रेक्टेंगुलर शेप का टिन, और इसे हम ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। हम टिन में चारों ओर ऑयल लगाएंगे, और अब इसमें हम डालेंगे प्रिपेयर किया हुआ सूजी का बैटर, और टिन को हम अच्छे से टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा टूटी फ्रूटी और डालते हैं। गार्निशिंग के लिए आप चाहें तो अखरोट, काजू या आप किशमिश का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो प्रेशर कुकर है वो भी पूरी तरीके से हीट हो गया है, तो केक टिन को हम रखते हैं प्रेशर कुकर में। तो हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को खोलेंगे और केक टिन को हम रखते हैं स्टैंड के ऊपर। बिल्कुल केयरफुली हमें इसे स्टैंड के ऊपर रखना है, और अब हम ढक्कन को बंद करेंगे, और ध्यान रहे कि सीटी ना लगी हो। और इसे अब हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 15 टू 20 मिनट्स तक के लिए बेक कर लेते हैं। 25 मिनट्स हो गया है इसे मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए, और चलिए अब इसे हम खोल कर देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं केक बिल्कुल फ्लफ़ी बना है, काफ़ी फूल गया है, बट मुझे इसका थोड़ा और कलर चाहिए, तो इसे हम 10 से 15 मिनट तक ढक कर कुकर में ऐसे ही रहने देते हैं, जिससे कि जो ऊपर का कलर है वो काफ़ी अच्छा आएगा।
तो 15 मिनट्स हो गए हैं, अब हम प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं और आप देख रहे हैं केक का कलर बहुत ही अच्छा आया है। और अब हम कंटेनर को प्रेशर कुकर से बाहर निकालते हैं। तो कंटेनर को प्रेशर कुकर से बाहर निकालने के बाद अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि अभी केक बहुत गर्म है, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे कंटेनर से बाहर निकालेंगे। तो केक थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसके साइड्स को बटर नाइफ से थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं। और इसके ऊपर हम रखते हैं एक ट्रे, और ट्रे को हम उल्टा कर देंगे और केक को हम टैप कर लेते हैं और फिर हम केक को टिन से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए सेमोलिना केक बिल्कुल बनकर तैयार है, इसे हम सीधा कर देते हैं। ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसे हम स्लाइसेस में कट करेंगे। तो केक थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसे हम स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। तो मैंने एक स्लाइस कट कर लिया है और ये देखिए अंदर का टेक्सचर, ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और ऐसे ही सभी स्लाइसेस हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा सेमोलिना केक बनकर बिल्कुल तैयार है और ये कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लग रहा है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, ये हेल्दी भी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।